फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द बेली डिलाइट में। आज हम मिलके बनाएंगे बहुत ही सिंपल थ्री इंग्रेडिएंट्स ओरियो लॉलीपॉप। तो ओरियो लॉलीपॉप बनाने के लिए आपको चाहिए ओरियो बिस्किट्स, थोड़े से कलरफुल से आपको स्प्रिंकलर्स इसमें लग जाएंगे, और हमें चाहिए थोड़ा सा डार्क चॉकलेट कंपाउंड। ओरियो लॉलीपॉप बनाने के लिए सबसे पहले हम हमारे डार्क चॉकलेट कंपाउंड को डबल बॉईल करके उसे मेल्ट कर लेंगे। टाइम को सेव करने के लिए यहाँ मैंने ऑलरेडी पानी को बॉईल करने के लिए रखा हुआ है, और अब हम इसमें डाल देंगे एक छोटा बोल। इस छोटे बोल में हम ऐड करेंगे हमारा डार्क चॉकलेट कंपाउंड। इसे इस पानी की हीट से मेल्ट होने देंगे। ध्यान रखें, चॉकलेट को मेल्ट करते टाइम उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, वरना चॉकलेट जो है बहुत स्टिकी और बहुत ही इलास्टिक हो जाती है और ये खाने में फिर अच्छी नहीं लगेगी। तो जब तक ये बॉयल होता है तब तक हम हमारे लॉलीपॉप की प्रिपरेशन कर लेते हैं। जब तक हमारा चॉकलेट मेल्ट होता है तब तक हम हमारे काम को फर्दर प्रोसीड करते हैं। हमारे ओरियो बिस्किट्स को आपको इस तरह से स्प्लिट ओपन करके अलग अलग करके रख लेना है। तो इस तरह हमें हमारे सारे बिस्किट्स को अलग अलग स्प्लिट ओपन करके रख लेना है। तो चॉकलेट को आपको बीच बीच में डबल बॉयलर से उतार करके इसको मेल्ट कर लेना है। चॉकलेट पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी है, तो अब हम बना लेते हैं हमारे ओरियो लॉलीपॉप्स। टूथपिक की टिप को आपको चॉकलेट में डिप करना है ऐसे, और इसको आपको बिस्किट के एंड पे लगा देना है। इससे आपकी स्टिक यहाँ पर अच्छे से चिपक जाएगी, और अब आपको इस बिस्किट को कवर कर लेना है इसके दूसरे पार्ट से। इसको आपको चॉकलेट के बैटर में डिप करना है। इस पे आपको हमारे मेल्टेड चॉकलेट को ऐसे ड्रॉप करना है। और जो भी एक्सेस चॉकलेट है उसे आप ऐसे करके नीचे की तरफ बर्तन में ही गिरा देंगे। इस पे हम स्प्रिंकल कर देंगे थोड़े से स्प्रिंकलर्स। और अब हम इसे ड्राई करने के लिए रख देंगे। तो ओरियो लॉलीपॉप्स बनके तैयार हैं। बहुत ही सिंपल और थ्री इंग्रेडिएंट रेसिपी है जो कि बहुत ही क्विकली बन सकती है, खास करके कि बच्चों को ये बहुत ही पसंद आता है। इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में मुझे अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।